अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 11, जिसका नाम है मीरा और रहीम। इसमें मीरा और रहीम के दोहों के बारे में बात की गई है। मीरा आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त रह चुकी है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हेतु भिन्न भिन्न रूपों में इस धरा पर अवतरित होते हैं, यानी इस धरती पर भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। और ये जो पहला पद है जो मीरा के माध्यम से कहा गया है, इस पद में कृष्ण भक्त मीरा अपने प्रभु को उनके इन्हीं रूपों का स्मरण करवाती हुई संसार की पीड़ा हरने की प्रार्थना कर रही है, यानी संसार की सभी पीड़ा को हर लेने की, सभी पीड़ा को मिटा देने की प्रार्थना कर रही है श्री कृष्ण भगवान से। तो क्या कहती है मीरा, हरि तुम हरो जन की पीड़, हरि यानी श्री कृष्ण, तुम हरो यानी हर लो, दूर कर दो जन यानी इन लोगों की पीड़ यानी पीड़ा। तो हे कृष्ण, तुम इस संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, उन सभी को मिटा दो। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, तुमने द्रौपदी की भी लाज रखी है। आपने द्रौपदी का चीर हरण सुना ही होगा, जो जिस प्रकार से द्रौपदी की लाज तुमने रखी है, हे कृष्ण भगवान कि तुमने द्रौपदी की भी लाज रखी है, तुम बढ़ायो जीव, जिस प्रकार से उसकी जो उसका जो वस्त्र है उसे तुम बढ़ाते गए, जैसे जैसे वो घटता गया वैसे वैसे आप बढ़ाते गए, तो इसी प्रकार आपने द्रौपदी की भी लाज रखी है। भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, और भक्तों के कारण ही, भक्तों की सेवा के लिए ही आपने नर हरि यानी जो नरसिंह अवतार है उसका भी रूप आपने धारण किया है। हिरण्यकश्यपु मार दिनो धरियो नाहीं धीर, और हिरण्यकश्यपु मार दिनो, इस प्रकार आपने हिरण्यकश्यप का वध भी कर दिया। धरियो नाहीं धीर, और आपने बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखा उस काम में, आपने बिल्कुल भी धैर्य नहीं किया, और नरसिंह जी का अवतार लेकर आपने हिरण्यकश्यप का भी वध कर दिया। बूढ़ते गजराज राखे कियो बाहर नीर, बूढ़ते यानी बूढ़ते का अर्थ होता है डूबते, आपने डूबते हाथी की भी लाज रखी है, जो डूबता हुआ हाथी था उसको भी आपने बचाया है। कियो बाहर नीर, उसे आपने जल से बाहर निकालने की कोशिश की है। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तह पीर, तो दासी जो दासी है, जो मीरा है, जो श्री कृष्ण की सेविका के रूप में बताया गया है, वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, वो गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है। दुख जहां तह पीर, और वह जहां पर भी पीड़ा या दुख होता है वो संसार में श्री कृष्ण को मिटाने के लिए कह रही है। आगे हम पढ़ते हैं रहीम के दोहों के बारे में। तो पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अब रहीम इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, जो प्रेम का धागा है वो प्रेम रूपी धागा है, उसे छिटकाकर मत तोड़िए। छिटकाकर यानी जैसे रिश्तों को प्रेम से संबंधित करते हुए बताया है कि प्रेम रूपी धागे को, उसी प्रकार हमारे रिश्ते भी प्रेम से बंधे हुए होते हैं, तो उन्हें हमेशा कटु वचन बोलकर तोड़िए मत, छिटकाए छिटकाए नहीं, तोड़ो मत छिटकाए, यानी जो प्रेम रूपी धागा है उसे झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे तो फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। और जब वह प्रेम रूपी धागा टूट जाता है और टूटने के बाद जब हम उसमें गांठ लगा देते हैं तो उसमें धागे में गांठ पड़ जाती है। तो इसी प्रकार रिश्तों में भी जब हम कटु वचन का उपयोग करते हैं तो उन रिश्तों में भी एक प्रकार से गांठ पड़ जाती है, एक प्रकार से रिश्तों में दरारें आने लग जाती है, तो फिर वो रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं बन जाते हैं। इसी प्रकार जो वो धागा होता है पहले किस प्रकार से सरल स्वभाव का रहता है, लेकिन उसके बीच में गांठ पड़ जाती है तो वो धागा पहले जैसा नहीं रहता। इस प्रकार जब रिश्तों में भी गांठ पड़ जाती है, दरार आ जाती है, तो वो रिश्ते भी पहले जैसे नहीं रहते हैं। तो ये रहीम कहना चाहते हैं, ये रहीम निज संग ले जन्मत जगत न कोय, वैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होय। कबीर क्या सॉरी रहीम क्या कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं कि प्रीति अभ्यास और यश, ये तीन चीजें हैं, ये हमेशा होत होत ही होय, यानी कि ये हमेशा जीवन में मनुष्य से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जो प्रीति है, जो अभ्यास है, प्रीति यानी जो प्रेम है, जो अभ्यास है, जो मनुष्य सीखता है, और जो यश की प्राप्ति है, वो मनुष्य में धीरे धीरे बढ़ोतरी करती है। ये रहीम निज संग ले जन्मत जगत न कोय, रहीम कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो ये इन तीन चीजों को मनुष्य अपने साथ में लेकर नहीं आता है, हमेशा मनुष्य के पास में ये धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य जन्म से बड़ा होना सीखता है वैसे वैसे उसके जीवन में प्रेम, यश और अभ्यास, ये तीनों चीजें आना शुरू कर जाती है। तो रहीम कह रहे हैं कि जन्म से ही कोई अपने साथ में ये तीनों चीजें लेकर नहीं आता है। रूठे सजन मनाई
लिए सौ उठे सौ बार, रहीमन पुनि पुनि पोइए रूठे मुक्ता हार। अब रहीम क्या कह रहे हैं, रहीम कह रहे हैं कि रूठे सज्जन बनाइए, रूठे सज्जन यानी अपने प्रिय को, अपने प्रिय मित्र को आप जब वो रूठ जाता है तो उसे सौ बार बनाने का प्रयास कीजिए, यदि वो रूठ गया है तो उसे आप हर बार प्रयत्न कीजिए उसे मनाने का। रहीमन पुनि पुनि पोइए टूटे मुक्ता हार। रहीम जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मुक्ता हार जो मोतियों की माला टूट जाती है तो उसके एक एक मोती को हम बार बार पिरोते हैं, एक एक मोती को हम उस धागे के अंदर डालते हैं, तो इसी प्रकार से हमें भी हमारे जो प्रिय मित्र है, जो प्रिय सखा है, जो हमारे रिश्तेदार है, उन सभी को हमें चाहे रूठ जाए तो हमें सौ बार उन्हें मनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा प्रिय मित्र हमारे जीवन से एक बार चला जाता है तो हमें जीवन में बहुत ही दुख होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सतत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रजत भोजन। क्या कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम कह रहे हैं कि जो मनुष्य अच्छे स्वभाव का होता है, उत्तम प्रकृति यानी कि बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, उसका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर कोई व्यक्ति अच्छा स्वभाव होने के नाते किसी बुरी संगति में आ जाता है तो उस बुरी संगति का प्रभाव उस अच्छे व्यक्ति पर कभी नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, यदि भुजंग यानी सांप, यदि सांप चंदन के वृक्ष से लिपट कर बहुत देर तक बैठा रहे तो वो जो सांप का वो विष है वो चंदन के वृक्ष की जो महक है उसे खत्म नहीं कर सकता। यानी जो सांप है जो चंदन के वृक्ष से लपटा हुआ है, अगर उस सांप का विष चंदन के वृक्ष पर लग भी जाता है तो उससे उस चंदन के वृक्ष की जो खुशबू है, जो महक है, वो खत्म नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं, रहीमन देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे दरबारी। रहीम कहना चाहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर कभी छोटी वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी कभी भी छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहाँ पर सुई अपना काम कर सकती है वहाँ तलवार का क्या काम, यानी जहाँ पर सुई की जरूरत है वहाँ आपको तलवार की कहाँ जरूरत है। तो इसी प्रकार से जो छोटी चीजें होती है, बड़ी वस्तुओं को देखते हुए, लालसा करते हुए, लालच करते हुए, हमें बड़ी वस्तुओं को देखते हुए छोटी वस्तुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता कब वो वस्तु किस जगह पर काम आ जाए। इसीलिए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ पर तलवार किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती। तो ये थे मीरा और रहीम के दोहे जो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं। धन्यवाद।